पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बने हुए नवाब, इस बात को नीरज चोपड़ा ने गलत साबित कर दिया। नीरज चोपड़ा ने इस कहावत को उलट कर रख दिया और नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन कर दिया। भारत के जैवलिन थ्रोलर नीरज चोपड़ा ने शनिवार को भाला फेंक में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। भारतीय ओलंपिक के 121 वर्ष के इतिहास में यह ट्रैक एंड फील्ड में पहला गोल्ड मेडल है। अभिनव बिंद्रा के बाद व्यक्तिगत तौर पर सोना जीतने वाले नीरज दूसरे भारतीय हैं। पानीपत के खांडा गांव के किसान के 23 वर्षीय बेटे नीरज ने कमाल कर दिया। नीरज ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत में ही वो दम है कि 23 साल का छोकरा भी सोना ला सकता है। नीरज चोपड़ा के जीत के बाद सारे भारतवासी गदगद हैं और नीरज पे बधाइयों का सिलसिला जारी है। हर लोग, हर राजनीतिज्ञ, हर दल, हर संस्था नीरज को इस काम के लिए बधाई दे रही है और इसके बाद भी नीरज के ऊपर धन वर्षा हो रही है। नीरज एक ही दिन में कई करोड़ के मालिक बन गए और कई सारी सरकारों और संस्थाओं ने नीरज को बहुत ढेर सारे धनराशि इनाम के तौर पर देने की घोषणा की है। आइए जानते हैं कि कैसे एक दिन में गोल्ड मेडल लाकर नीरज कई करोड़ के बन गए मालिक। हरियाणा सरकार देगी नौकरी और 6 करोड़ रुपए। हरियाणा सरकार ने नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को इसका ऐलान किया। सीएम खट्टर ने चोपड़ा को उनकी जीत के लिए बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने न केवल पदक जीता बल्कि पूरे देश का दिल भी जीता है। पंजाब सरकार ने 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी नीरज चोपड़ा को टोक्यो में ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नीरज चोपड़ा आपने इतिहास रच दिया है और पूरे देश को गौरवान्वित किया है। पंजाब सरकार की तरफ से 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ओलंपिक इतिहास में भारत का पहला एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। आनंद महिंद्रा, जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक है, उन्होंने XUV 700 मॉडल देने का वादा किया। उन्होंने कहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड द्वारा XUV 700 दिया जाएगा। इस तरीके से कई सारी सरकारों ने, कई सारी संस्थाओं ने, हॉकी फेडरेशन ने, क्रिकेट फेडरेशन ने, हरियाणा, पंजाब और भारत सरकार ने, इसके अलावा भी लगातार सरकारों का नीरज के लिए इनाम देने की घोषणा करना जारी है और ये देखते हैं कि अगले 2-3 दिन में ये राशि 25-30 करोड़ से भी ज़्यादा की जा सकती है। यानी कि नीरज चोपड़ा, जो कि नायब सूबेदार हैं सेना में और उन्होंने भाला फेंकने में स्वर्ण पदक जीता है, एक दिन में मेडल लाने के बाद वो 50 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति के मालिक बन गए हैं और पूरा देश उन पर नाच कर रहा है, पूरा देश उन पर गौरव कर रहा है, पूरे देश के लोग, पूरे देश की संस्थाएं, पूरे देश के सरकारें, पूरे देश की छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नीरज चोपड़ा पे धन वर्षा कर रही है, जिसका सिरा लगातार जारी है।